हेलो स्कॉर्पियो, वेलकम टू माय चैनल टैरो डिवाइन लव मी। मैं हूँ शिवांगी। यहाँ पर आपको 99 पोर्टल की ब्लेसिंग की रीडिंग लेकर आई हूँ। ये रीडिंग जो है 99 पोर्टल हमारे जीवन में कुछ कंप्लीशन कर देता है, कुछ बातें हमारे जीवन से निकाल देता है और हमारा लाइफ कहीं तो वही चेंज करके हमें न्यू थिंग्स, न्यू अपॉर्चुनिटी की तरफ लेके जाता है। तो 99 पोर्टल हमें इनडायरेक्टली कुछ ऐसे ब्लेसिंग्स दे देते हैं कि हमारे जीवन के ब्लॉकेजेस निकल जाते हैं। तो यहाँ पर हम जरूर देखेंगे कि स्कॉर्पियो पीपल आपके लिए क्या गाइडेंस है और आप यहाँ पर क्या ब्लेसिंग आपको मिल रही है, ये डिवाइन के तरफ से हम जरूर देखेंगे। सबसे पहले हम मूनोलॉजी से देखेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं मून। थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। बहुत ही सुंदर यहाँ पर कार्ड आया है आपके लिए। गाइडलाइन आई है, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। ओके, यानी यहाँ पर आपको बोल्ड बनना है। आपकी कोई ऐसी टफ साइकिल थी जो यहाँ पर कंप्लीट हो रही है और आपको बोल्ड बनना है और आपको मूव आगे बढ़ना है। शायद कुछ सोच रहे हैं आप, कुछ नया करने का सोच रहे हैं, कुछ न्यू स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, समथिंग। तो यहाँ पर यही गाइडलाइन आ रही है कि आपको उसके लिए डेयर करना है, बोल्ड बनना है। आपको डर लग रहा होगा, ओके, तो इस डर से निकलना है और आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पर आपके लिए ये कहा जा रहा है कि यस, आपको जो चाहिए, आपकी एक टफ साइकिल कंप्लीट होते आ रही है और आपको जो चाहिए उसके लिए ना आपको एक्शन लेने का भी टाइम है। आपको एक्शन लेना है, जो आपको करना है, ओके। आपको रुकना नहीं है। आप जो निगेटिव कुछ आ रहा होगा आपको थॉट्स, वो निकाल देना है, पॉजिटिव कलेक्ट करना है। बहुत ही ये टाइम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस टाइम को आपको खोना नहीं है। ये टाइम आपको यानी जो बिगिनिंग आप स्टार्ट करना चाहते हो, जो कुछ भी स्टार्ट करना चाहते हो आपके लाइफ में और जो स्टेप लेना चाहते हो, हाँ ये आपको लेना है, ओके। यहाँ पर आप गणेश जी की पूजा कर सकते हो। कुछ भी नया स्टार्ट कर रहे हो तो उनकी ब्लेसिंग लीजिए। और या आपके मीन्स एलिफेंट आपको दिखता है, ओके, कोई पिक्चर में कहीं पर आपको एलिफेंट की पिक्चर्स दिखती है तो समझ लीजिए ये आपके लिए गुड साइन है। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है। और यहाँ पर जैसे है ना, आपको फॉलो करना है, आपके हार्ट को फॉलो करना है, ओके। आपका आपका हार्ट, आपका दिल क्या कह रहा है, क्या करना है आपको, ओके। और आपके इमोशंस, आपके इमोशंस क्या कह रहे हैं, आपको क्या डिजायर चाहिए उसके लिए आपको आगे बढ़ना है, ओके। तो ये बहुत ही यहाँ पर अच्छी गाइडलाइन आई है आपको मून के तरफ से। यहाँ पर हम देखेंगे कि फेरिस के तरफ से आपको क्या गाइडलाइन आ रही है, ओके। आपके लिए गाइडलाइन आ भी गई है हीलिंग। आपके लिए गाइडलाइन आई है हीलिंग और यहाँ पर है फ्रेंडशिप, ओके। तो आपसे कुछ नए दोस्त जुड़ेंगे, मे बी न्यू दोस्त आपके लाइफ में आएंगे, फ्रेंड्स आएंगे जो आपको आपके वर्क के लिए हेल्प करेंगे। और आपके एंजल्स और आपके फेरीज, आपके एंसेस्टर एंजल, आपके इष्ट देवता, आपके एक फ्रेंडशिप जैसे आपको सपोर्ट भी करेंगे, वो भी आपको सपोर्ट करेंगे बाय एनर्जी, ओके। यहाँ पर हीलिंग का आया है, बहुत ही यहाँ पर बहुत ही अच्छा कार्ड आया है हीलिंग। तो नाउ इज अ टाइम फॉर यू टू गिव एंड रिसीविंग हीलिंग। एवरीवन हैज अ नेचुरल एबिलिटी टू हील अदर्स। यानी आप में एक एबिलिटी भी है, आप दूसरों को भी हील कर सकते हो। और आप में ये एक एबिलिटी है कि आपको जो करना है, आपको जो अभी स्टेप लेना है, वो आप ना यहाँ पर बहुत अच्छे से कर सकते हो क्योंकि आप में वो नेचुरल एबिलिटी है, भगवान ने दिया हुआ आप में ऑलरेडी है, तो उसको आपको आगे बढ़ाना है। यहाँ पर हम देखेंगे कि डिवाइन के तरफ से आपको डेक के थ्रू क्या गाइडलाइन आती है, कार्ड्स क्या निकलते हैं और क्या आपके जीवन के ब्लॉकेजेस डिवाइन निकालना चाहता है और आपको क्या देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
यू सो मच. ओके थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. ओके यहाँ पर आपका एक जो मैंने कहा ना कि आप ना फोर ऑफ कप्स के एनर्जी, यानी आप में एक हुनर है, एक इनबिल्ट एक क्वालिटी है जो आपको गॉड गिफ्ट दिया है. यहाँ पर जो आया था कि आपको नेचुरल एक एबिलिटी है आप में हील करने की, दूसरों को भी हील कर सकते हैं, या आप में कुछ तो भी खूबी है, तो आपको ना नर्वस नहीं बैठना है, आपको वो उस चीज के ऊपर फोकस करना है जो आपके अंदर इनबिल्ट एबिलिटी है, उसके तरफ ध्यान देना है और उसको इम्प्रूव करना है आपको. बहुत यहाँ पर सुंदर कार्ड आए हैं. वाओ. ओके यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर ये कहा है कि जो आपके काम रुक चुके थे आज तक, जितना भी आपने स्ट्रगल किया जो रुक चुके थे, तो डिवाइन यहाँ पर ना वो रुके हुए काम को आगे लेके जाने वाला है. आगे आपको बहुत कुछ रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं. आप खुद के ऊपर बिलीव रखो, ट्रस्ट करो और जो आप करना चाहते हो, जो वर्क करना चाहते हो, उसके लिए आगे बढ़ो. यहाँ पर टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बता रहा है कि यहाँ पर ना आपका कंफ्यूजन दूर होते जाएगा. अभी आप जो कंफ्यूज रहते थे, बार बार कंफ्यूज रहते थे कि ये करना है वो करना है, ये करूँ या वो करूँ, जो है जिसमें जिस चीज के लिए आप हरदम कंफ्यूज रहते थे, ये कंफ्यूजन से आपको डिवाइन यहाँ पर निकाल रहे हैं. बहुत ही यहाँ पर बहुत ही सुंदर गाइडलाइन आ रही है. ओके यहाँ पर आपकी एक साइकिल कंप्लीट हो रही है. यहाँ पर आपका एक एक जीवन का चक्र यहाँ पर बदल रहा है, जीवन का चक्र यहाँ पर घूम रहा है. और आपको ना एक आप जैसे ये स्टेप लेते हो, क्योंकि आपको भी मूव ऑन होना है, आपको भी सपोर्ट करना है डिवाइन को. डिवाइन आपको बार बार पुश कर रहा है, तो आपको भी सपोर्ट करना है. तो यहाँ से ना आपको बहुत यहाँ पर बहुत अच्छा चांस है आपके लिए, बहुत अच्छा टाइम है कि आप ना अभी जो करना है वो स्टार्ट कीजिए और आपका यहाँ पर से आपकी जिंदगी बदल जाएगी यहाँ से. यस आप एक्टिव रहोगे, आप सक्सेस रहोगे. ओके जो आपको मैंने बोला ना, जो आप में हुनर है, जो एबिलिटी है, जो गॉड गिफ्ट है, उसमें आप और कुछ करते हो, और कुछ डेवलप करते हो, आप एक्टिव होने वाले हो और आप सक्सेस होने वाले हो. जो आपको भगवान दे रहा है, जो आप भगवान आपको ब्लेसिंग दे रहा है और आपके उस करियर में ना आपको एक्टिव बना रहा है, आपको पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है, वो आपको रिसीव करना है. किंग ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई है. आपके पास में आप जिनके ऊपर ट्रस्ट रखते थे, ओके, तो उन्होंने आज तक आपको ट्रस्ट मीन्स उन लोगों ने आपका जो ट्रस्ट है उसको तोड़ दिया या आपको तकलीफ दी उस चीज के लिए. बट आपको अभी ऐसे लोग मिलेंगे कि वो लोग ना आपके ऊपर ट्रस्ट रखेंगे, ओके, विश्वास रखेंगे. आपके जीवन में बहुत अच्छे लोग आएंगे, फ्रेंड्स आएंगे. मैंने कहा था ना फ्रेंडशिप, यहाँ पर जो कार्ड आया था फ्रेंडशिप का, तो यस ऐसे लोग आएंगे आपके जीवन में, ऐसे सोलमेट्स आएंगे कि जो आपको हेल्प करेंगे, आपके ऊपर ट्रस्ट रखेंगे, आप जो वर्क कर रहे हैं उसके लिए सपोर्ट करेंगे, आपको गाइडेंस देंगे. ऐसा भी हो सकता है या आप किसी को भी गाइडेंस देते जाओगे, ऐसा भी हो सकता है. तो यहाँ पर बहुत ही यानी आप इमोशनली जो आपका दिल चाहता था कि आपको कोई देख नहीं पा रहा था, कोई सोच नहीं, कोई आपको ऐसा बाय हार्ट ऐसा कोई देख नहीं पा रहा था कि आप कितने अच्छे पर्सन हो, तो यहाँ पर अभी आगे डिवाइन ये चेंजेस ला रहे हैं, आपको ये ब्लेसिंग दे रहे हैं कि आपके जीवन में बहुत अच्छे लोग आपको मिलने वाले हैं. टू ऑफ कप्स की एनर्जी आई है. आपके हर रिलेशन, ओके, किसी का ट्रू सोलमेट मिलेंगे, ओके, किसी को अपने ट्विन फ्लेम मिलेंगे, किसी को अपने जो भी रिलेशन है, जिनके भी रिलेशन है वो अच्छे रहेंगे. यहाँ पर ना ये ऐसी एनर्जी है टू ऑफ कप्स की कि आपसे ना लोग आपको जुड़ेंगे, आपको समझेंगे, आपके तरफ आएंगे, आपसे बातें करेंगे, आपका रिस्पेक्ट करेंगे. ये यहाँ पर एनर्जी आ रही है. आपके पास में धीरे धीरे लोग आएंगे जो आपकी क्वालिटी है, जो आपकी हुनर है, और आप जब वहाँ पर बोल्ड मीन्स आप एक स्टेप लेते हो, मूव ऑन होते हो और अपने स्टेप आप अपना काम शुरू कर देते हो ना, लोग धीरे धीरे आपके पास में, आपके रिलेटिव्स, आपकी फैमिली सब ना आपको चाहेंगे कि यस आप में कुछ तो भी है और आप कुछ कर रहे हैं. तो ये यहाँ पर बहुत ही सुंदर है. और वो तो है आपके ट्रू सोलमेट, आपका प्यार आपको मिलेगा, ये भी है फ्यूचर में, ठीक है.
द एम्प्रेस का कार्ड आया है. यस डेफिनेटली यहाँ पर आप हर हर जो भी फाइट है, ओके कंपटीशन तो आती रहती है, जो भी कंपटीशन आएगी उसमें आप जीतोगे. और डेफिनेटली यहाँ पर द एम्प्रेस का कार्ड आया है. ये ब्लेसिंग बहुत ही पॉजिटिव है. आप आपके जीवन में हर चीज में, हर एरिया में आपको ग्रोथ मिलेगी. ओके प्यार है, करियर है, सक्सेस है, आपकी आपका डिजायर कुछ ऐसा है कि आप में कुछ एबिलिटी है, ओके नेचुरल एबिलिटी है, उसको बढ़ाना है, स्टडी है, एग्जाम्स है, कुछ भी हो आप में, आपको उसमें आप स्ट्रगल करते हो, आप इनर वर्क करते हो, आपके तरफ ध्यान देते हो और खुद के ऊपर विश्वास रखकर भगवान के ऊपर विश्वास रखते हो, तो यस डेफिनेटली आप ग्रोथ की तरफ जाने वाले हो. यस डेफिनेटली यहाँ पर आपको बहुत अच्छी यहाँ पर ब्लेसिंग मिल रही है. यूनिवर्स यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड दिखाकर यही कहा है कि आपकी ग्रोथ होने वाली है और आपको वो पॉजिटिव एनर्जी रिसीव करनी है. ब्लेसिंग रिसीव कीजिए जिसके वजह से आपकी लाइफ अच्छी बनेगी. तो गाइज यहाँ पर मैं ये रीडिंग क्लोज करती हूँ. जो आपके ब्लॉकेजेस हैं, जो निगेटिव है, वो आपको निकालना है. यहाँ पर डिवाइन यही कह रहा है कि वो निकालने में सपोर्ट करने वाला है. आपको भी थोड़ा सा एफर्ट लेना पड़ेगा और आपको जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके जीवन में, जो आ रहा है, जो आप डिजायर चाहते हो, वो आने वाला है और उसको वेलकम कीजिए और विश्वास रखिए खुद के ऊपर और अपने इष्ट देवता के ऊपर. तो गाइज नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड नमस्ते.